कि वज़ीर-ए-आज़म और उनकी लीगल टीम, उनकी उनकी फैमिली का बुनियादी तौर पर उनकी उनकी फैमिली की लीगल टीम का ये मौकफ रहा है कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि हमारे पास या हमारे वालिद साहब के पास एसेट्स थे 70 के बाद, उस वक्त दूर 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 तक निशान नहीं था हुकूमत में होने का, 70 में थे, 80 में थे। दो दफा प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को एग्जाइल में जाना पड़ा, एक दफा जब उनकी तमाम यहां के एसेट्स कौमे आ गए जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर में, और दूसरी दफा जब जनरल मुशर्रफ ने उन्हें एग्जाइल में भेजा। ये वाकयात उस वक्त के हवाले से है। प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का ये मौकफ है कि हमारे पास एसेट्स बाहर थे, हम ये पैसा यहां से नहीं लेके गए। ये इशू है, ये कोटेकना केस का करप्शन केस नहीं है, ये वो हार और डायमंड हार का करप्शन केस नहीं है, ये 60 मिलियन डॉलर्स का ब्लेटेंट एक बैंक अकाउंट का नंबर नहीं है, ये सरे महल पैलेस या फ्रांस में जो जो महल हैं उनका केस नहीं है। और मैं ये भी वाजह कर दूं कि बहुत सारे लोगों के पास गैर मुल्क में एसेट्स भी हैं और मकान भी हैं, अगर वो गैर कानूनी हैं तो वो छुपा के रखते हैं। मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली ने रोजे अव्वल से इन फ्लैट्स को छुपा के नहीं रखा। मगर चूंकि ये सब्जेक्ट है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब हम सब ने मिलकर यह फैसला किया है कि अदालत, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, और ये नई रवायात कायम हुई है, और ये रवायात इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने कायम की है कि उसने अपने आप को, अपने खानदान को, अपने वालिद को पेश किया अदालत के सामने। कहा जा रहा है ये क्या कि भाई ये अच्छी रवायत है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये रवायत कायम की है, और कोई प्रेशर नहीं था, धरना कामयाब नहीं, धरना फेल हो चुका था, पब्लिक प्रेशर उस हवाले से कोई नहीं था कि पीपल वर ऑन द स्ट्रीट्स। अस खुद ये और हर चीज पे तैयार हुए, कमीशन बनाना है उस पर बनाएं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है वो करें, रिटायर्ड जजेस पे करना है वो करें, ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ये समझते हैं कि उन्हें मजीद तफ्तीश की जरूरत है या तहकीकात की जरूरत है, तो हमें उसका भी एहतराम करना चाहिए, बजाय इसके कि उसको अपने सियासी रंग पहनाएं। और वो लोग भी, जैसे कहते हैं ना, चींटियों को भी अब पर लगे हुए हैं, और जिनके दौर इख्तदार में वो, मुझे खास तौर पे कामरान खान साहब का एक प्रोग्राम याद है कि अजब करप्शन की गजब कहानी, वो रोज होता था और किसी के कान पे जू नहीं रिंगती थी। आज वो इस मुल्क को आर्टिकल 62 और 63 पे लेक्चर दे रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को मुस्तफी होने का कह रहे हैं। सॉरी लंबा हो गया। मेरा ख्याल है कि अक्सर ममालिक के साथ नहीं है, मगर जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का जब हुक्म होगा और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत कोई इदारा लीगल असिस्टेंस मांगेगा तो उसकी काफ़ी वक़्त होगी, मगर ये किस हद तक और किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, जाहिर है ये इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा वाजह होने में। शाह साहब, आप
शाह साहब, ये आपको लफ्ज ईमानदारी का कहने की जरूरत ही नहीं थी। मैं अल्लाह ताला के सामने जवाब दे हूं, मियां नवाज शरीफ के सामने या अपनी हुकूमत के सामने तो नहीं हूं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में हर वक्त ये चीज तरोताजा होती है, और मैं सामने भी कहता हूं, हर इंसान अपने रब के सामने जवाब दे है। मगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कब से मुझे जज का मनसब दे दिया कि ये फैसला मैं करूं? ये कोर्ट के सामने है, और इस हवाले से अब तक कोर्ट ने फैसला नहीं किया। कोर्ट का फैसला एक या दो जज पे मैयत नहीं होता, वो टोटल बेंच का होता है। ये कानून है, जाब्ता है, ये कोई इस बेंच के हवाले से हम ये बात नहीं कर रहे। सात का बेंच हो तो चार अक्सरीती फैसला अदालत का मान, हां यह भी है। और मैं इसको फिर रिपीट करता हूं कि अगर किसी ऑनरेबल जज के पास ये इख्तियार है कि वो नोट ऑफ डिसेंट दे अगर वो इख्तलाफ करता हो, और एक कदम आगे भी जा सकता है कि वो अक्सरीती फैसले से अपने आप को अलहदा कर दे। इस तरह बीसियों फैसले हैं जहां ऑनरेबल जजेस ने इख्तलाफ किया और कहा है कि मैं इस जजमेंट, उस पर उन्होंने साइन नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं इस जजमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इधर इख्तलाफ किया है, मगर पांच जजों ने एक तफ्तीशी टीम बनाने की सब साइन किए। ये एक बात। दूसरा, चूंकि आपसे मुझे पूछा है और हम सब अकाउंटेबल हैं, ये मैं प्राइम मिनिस्टर के सामने भी कह चुका हूं, गैब का इल्म तो मेरे पास नहीं है, मगर मेरे सामने अगर इस हुकूमत के हवाले से कमीशन, करप्शन, कोई गलतकारी एक भी होती, मेरे सामने होती, इल्जामात की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं बहुत पहले इस हुकूमत को छोड़ चुका होता। सो मेरा जमीर मुतमैन है, मैं अल्लाह ताला के सामने जवाब दे हूं। इतना काफी नहीं है कि मैं देखूं करप्शन ना हो। अगर मैं किसी ऐसे ग्रोह में बैठा हूं जहां करप्शन आम है, जहां गलतकारियां हो रही हैं, और मैं उसी ग्रोह में बैठा हूं, तो जिम्मेदारी मुझ पर भी आती है, मैं इसके लिए बिल्कुल जवाब दे हूं। हां, इल्जामात का जवाब तो मेरे पास नहीं है। सो इल्जामात से सिर्फ कह देना, इल्जामात तो लगे मगर कोई प्रूफ भी होना चाहिए। ये केस ये नहीं है कि फलाने प्रोजेक्ट में फलाने इशू पर करप्शन हुई। इशू ये है कि ये जो फ्लैट्स हैं इसके लिए सरमाया कहां से है, ये इशू है। प्राइम मिनिस्टर के खानदान का ये मौकफ है कि 70 के बाद हमारा बैरून मुल्क में सरमाया था और उसने रिकॉर्ड पेश किया, पैसा पाकिस्तान से नहीं गया। इस वक्त तक जो शवाहिद सामने आए हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो कल का फैसला है, वो मनी ट्रेल से मुतमिन नहीं है कि वो पैसा कहां गया और किस तरफ आया। ये सारी चीजें तय होनी है। सो ये फैसला हम सुप्रीम कोर्ट को करने दें, मगर फैसला शवाहिद के मुताबिक होगा, इल्जामात या शकूक व शुबहात की बुनियाद पे नहीं होगा। और जो पहला आपका हिस्सा, ये मैंने तो नहीं कहा कि जीआईटी बने जिसमें फ्लां फ्लां फ्लां, ये मैंने तो नहीं कहा, ये प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं कहा। मैंने ऑफर की थी आज से तकरीबन एक साल पहले, जब इमरान खान ने कहा था, तो मैंने कहा था कि आप अपने पसंदीदा अफसर नॉमिनेट करो, मैं उसी की कमेटी कमीशन बना दूंगा। वो नहीं माने, पहले कह के फिर पीछे हट गए। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें, मैंने पंजाब हाउस में की थी। ये जो कमेटी है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुई है, और शाह साहब ये इतना आसान काम नहीं है। जब इतना हाई प्रोफाइल केस हो, दुनिया देख रही हो, सुप्रीम कोर्ट ऊपर मॉनिटरिंग कर रहा हो, मीडिया इतनी प्रोएक्टिव हो, तो कोई समझे कि कोई अफसर, इसको तो जाहिर है एक लफाजी, एक गुफ्तार की जंग में हर चीज को कंफ्यूज किया जा रहा है। ये जो चंद लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ये इस केस का फैसला नहीं चाहते, ये बुनियादी तौर पे इंतशार चाहते हैं।
ये शोर शराबा चाहते हैं, ये फड्डाबाजी चाहते हैं। वरना कितनी दफा हुकूमत ने खुलेआम ये कहा कि जो जिस चीज पे आप राजी हैं हुकूमत उसी के तहत